दोस्तों आप लोग कंपनी में काम करते होंगे, आप लोगों ने बहुत सारे लीव ट्रैकर देखे होंगे जिसमें आपके प्रेजेंट, एब्सेंट, महीने में कितनी लीव ले ली, कितनी बैलेंस है, या आपने देखा होगा। क्या आपने कभी वैसा लीव ट्रैकर प्रिपेयर किया है? नहीं किया तो आज मैं आपको बताऊंगा एक लीव ट्रैकर प्रिपेयर करके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जिसमें आप हर महीने में, हर वीक में किस पर्सन ने कितने लीव लिए हैं, कितने कैजुअल बच्चे हैं, कितने यूज़ कर चुके हैं और साल के एंड में कितने रिमेनिंग है, ये सब आप देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक में मूव होते हैं और ये सीखते हैं। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ लीव ट्रैकर हम कैसे बनाते हैं। हम कंपनी में वर्क करते हैं, कोई भी कंपनी में हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लीव्स मिल जाते हैं कि आप एक महीने में, एक साल में कितने लीव ले सकते हो। तो आज मैं आपको लीव ट्रैकर दिखाने वाला हूँ क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई कोई पर्सन जो कंपनी में काम करते हैं वो लीव ले लेते हैं और साल के एंड में हमें पता नहीं लगता कि उनकी लीव कितने बैलेंस है, अवेलेबल है भी या पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है। तो उसी के लिए मैंने आपके लिए एक लीव ट्रैकर बना रहा हूँ। आप कंपनी में जाइए, कोई भी बंदे आपके अंडर काम करते हैं आप उनका लीव ट्रैक कर सकते हैं और साल के एंड में आप बता सकते हैं, बॉस आपके पास इतनी लीव बची है, CL इतनी बची है, EL इतनी बची है या SL इतनी बची है, या नहीं बची तो वो भी बता सकते हैं, और कौन से महीने में लिए, कौन से वीक में लिए, ये भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लीव ट्रैकर बनाते हैं। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो सबसे पहले हम नई शीट में जाते हैं। मैंने सबसे ऊपर नेम लिख दिया है, नेम मैंने दो तीन बंदों का नेम लिख देता हूँ रैंडमली, और बाकी के मैं AAA BBB CCC और इसी को मैं ड्रैग कर देता हूँ। लेट्स टेक ये मेरे कुछ नेम्स अवेलेबल है मेरे पास। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक महीने में या एक साल में एनुअली हमें कितनी लीव मिल रही है। लेट्स टेक, मैंने सबसे पहले लिख दिया हमें कैजुअल लीव मिल रही है, मेडिकल लीव मिल रही है और स्पेशल लीव मिल रही है। तो कैजुअल लीव हमें एक साल में मिलती है 20, मेडिकल लीव हमें एक साल में मिलती है 7 और स्पेशल लीव हमें एक साल में मिलती है 10। तो सभी बंदों को ये मिलेगा। मैंने ये कर दिया पूरे का पूरा ड्रैग, यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब मैं सबसे पहले जैसे ही मैंने CL, ML और SL लिखा, उसके बाद का जो भी कॉलम है आपको वो छोड़ना है और आपको उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देना है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ये मैंने क्यों किया। ये हमने मिनिमाइज कर दिया। अब यहाँ पे हमें जहाँ पे हमने CL, ML और SL लिखा था उसके बाद वाले ही कॉलम में हमें यहाँ पे मेंशन करना है पूरे साल। जैसे मैं देता हूँ 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी की डेट आ गई। सिमिलर केसेस में मैंने 2 जनवरी की डेट देनी है, मैंने इसको कॉपी किया, इसको कर दिया 2। अब 3 जनवरी की डेट देनी है, मैंने इसको कॉपी किया, इसको कर दिया 3। अब आपने इसको सिंपली ड्रैग कर देना है आगे तक जब तक दिसंबर ना आए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डेट्स बढ़े जा रहे हैं और यहाँ पे मैं दिसंबर जब भी आएगा 31 दिसंबर तब मैं स्टॉप कर दूंगा। ये देखिए ज्यादा आगे आ गया है और मैं पीछे गया, ये रहा 31 दिसंबर 2012। आप यहाँ पे मेरे डेट देख सकते हैं, मैंने ओके कर दिया। अब मैं इसको पूरे के पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को डेट अच्छी तरह व्यू हो। तो यहाँ पे मैंने 1 जनवरी से लेकर डेट पॉपुलेट करवा दिए हैं। आप लोगों ने डेट्स तो ड्रैग कर दिए, अगर आप लोगों को डेट्स ड्रैग करने हैं तो ठीक, नहीं तो आप लोग सिंपली दिस प्लस 1 कर सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे किया मेरा H3+1, दैट मीन्स मेरा जनवरी के बाद, 1 जनवरी के बाद जो भी डेट आए उसके बाद ये ऑटोमेटिकली मेरी चेंज हो जाए। तो मैंने ये कर दिया प्लस 1। अब मैं एंड तक इसे ड्रैग कर देता हूँ। कंट्रोल, मैंने नंबर सिलेक्ट किए सारे के सारे, मैंने कंट्रोल और आर दबा दिया तो ये एंड तक ड्रैग हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें हर महीने में जहां हमारा महीना खत्म हो रहा है वहां पे जाके हमें एक कॉलम इंसर्ट कर देना है, बिल्कुल ऐसे। तो ये देखिए ये मेरा जनवरी खत्म हुआ, मैंने यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर दिया। सिमिलर केसेस में फेब का भी हम यही करेंगे, ये मेरा फेब खत्म हुआ, मैंने यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर दिया। सिमिलर केसेस में हम मार्च का भी ऐसे ही करेंगे, अप्रैल का भी ऐसे ही करेंगे, तो मैं ये कॉलम फटाफट से इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ हमारे मंथ खत्म हो रहे हैं उसके बाद ये कॉलम इंसर्ट किया है। अब आप ये पूछ रहे होंगे मैंने कॉलम इंसर्ट क्यों किया। जी मैं अब आपको बताता हूँ क्यों किया। ये देखिए जैसे अब हमने कॉलम इंसर्ट कर दिया है, इसके ऊपर हमें पूरे का पूरा कॉपी करना है और हमें उसमें लिखना है ये जनवरी का है तो जनवरी, बट जो आपने कॉलम इंसर्ट किया था आपको वो वाला भी सिलेक्ट करना है।
क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ग्रुप जब आप करेंगे तो सारे का सारा दिखाई नहीं देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ से मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया जहाँ तक मेरे डेट्स अवेलेबल थे। मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, थिक बॉर्डर कर देता हूँ, येलो कलर कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनवरी 19। अब लेट्स टेक, अब मुझे इसे करना है ग्रुप, तो मैं ये डेटा सेलेक्ट करता हूँ। अब इससे मैं डेटा में जाता हूँ, ग्रुप करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे ग्रुप हो गया। अब अगर आप देखिए आप ग्रुप को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आपको जनवरी भी दिखाई नहीं देगा। ये देखिए नहीं दे रहा, क्योंकि हमने लास्ट वाला सेल भी पॉपुलेट नहीं करवाया। तो इसी के लिए हमें क्या करना है, मैं ग्रुप हटा देता हूँ, मैंने ग्रुप हटा दिया। मैं ये इसके बाद वाला जो सेल है वो भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं करता हूँ मर्ज एंड सेंटर, मैं इसे करता हूँ थिक बॉर्डर येलो कलर और मैंने लिख दिया जनवरी 19। सिमिलर केसेस में मैं ये सारे पहले फुलफिल कर लेता हूँ, उसके बाद हम एक ही बारी में इन सबका ग्रुप करेंगे। तो जैसे आपने जनवरी किया वैसे ही हमें इसके बाकी के सारे मंथ कर देने हैं। तो मैंने यहाँ जनवरी कर दिया, मैंने यहाँ फेब कर दिया, मैंने यहाँ मार्च भी कर दिया है। अब मैं अप्रैल करने जा रहा हूँ, अप्रैल का मैंने पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट किया, होम में गया, येलो कलर थिक बॉर्डर मर्ज एंड सेंटर और मैंने कर दिया अप्रैल 19। अप्रैल के बाद हमारा आता है मई का महीना, मई मैंने सेलेक्ट किया, होम में गया, थिक बॉर्डर मर्ज एंड सेंटर मई 19। उसके बाद मैं करता हूँ जून, जून सेलेक्ट किया, थिक बॉर्डर येलो कलर मर्ज एंड सेंटर जून 19। उसके बाद मैं करता हूँ जुलाई, मैंने सेलेक्ट किया डेटा, होम में गया, मर्ज एंड सेंटर जुलाई 19। उसके बाद अगस्त, सिमिलर केसेस में आपको लास्ट का एक सेल सेलेक्ट करना है और ये अगस्त भी हम करने जा रहे हैं। और ये लास्ट महीना हमारा दिसंबर का हमने सेलेक्ट कर लिया पूरा। इसके बाद मैं होम में गया, येलो कलर मर्ज एंड सेंटर और मैंने कर दिया दिसंबर 19। इसे थिक बॉर्डर भी करना है, ओके। तो मैंने यहाँ पे डेट पॉपुलेट करवा दिए हैं, डेट के बाद मैंने मंथ भी पॉपुलेट करवा दिए हैं सबके ऊपर। अब हमें क्या करना है, अब हमें जनवरी को ग्रुप कर देना है। तो ग्रुप कैसे करेंगे, मैं पूरे का पूरा जनवरी सेलेक्ट करता हूँ, मगर रिमेंबर फ्रेंड्स, हमें लास्ट वाला जो ब्लैंक सेल था उसको सेलेक्ट नहीं करना, उसको हमें ब्लैंक रख देना है। उसके बाद हम डेटा में आएंगे, ग्रुप में क्लिक करोगे और जनवरी आपका हो जाएगा ग्रुप। अब मैं इसे क्लोज करूंगा तो यहाँ पे आप जनवरी पॉपुलेट देख सकते हैं। सिमिलर केसेस में आप फेब भी ऐसे ही करेंगे, फेब का लास्ट वाला जो सेल था वो छोड़ देंगे, डेटा में आएंगे, ग्रुप में क्लिक करेंगे, फेब भी हो गया। ऐसे ही जितने भी बाकी के आगे के महीने हैं वो सारे आप सेलेक्ट कर लेंगे और बस लास्ट वाला सेल छोड़ के उनको आप ग्रुप कर देंगे। ओके, ये भी हो गया मार्च, हम चलते हैं अप्रैल में, ऐसे ही आपको सारे करने हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको ग्रुप कर दिया है। अब जब हमने सबको ग्रुप कर दिया है, हमारे पास पूरे मंथ हैं, मंथ के डेट्स हैं, सब हमारे पास अवेलेबल है। अब आपने जो यहाँ CLML लिखा है आप इसी को कॉपी करेंगे, एंड में आएंगे, यहाँ पे आप सेम को पेस्ट कर दीजिए, CLMLSL कर दिया। अब हम यहाँ पे थोड़े से फॉर्मूलेज लगाएंगे, उससे पहले थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए आपको सबसे पहले नेम के ऊपर जो वाला सेल है आपको उसे सेलेक्ट करना है, आपको उसे मर्ज करना है, सेंटर में लाना है, थिक बॉर्डर कर देना। उसके बाद इसका आप जो भी कलर देना चाहे, जैसे मैं ब्लू दे देता हूँ, ब्लू के साथ मैं व्हाइट की कॉम्बिनेशन दे देता हूँ, ओके। यहाँ पे हम लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। मैं इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ और मैं इसको ही पकड़ता हूँ और मैं यहाँ पे आगे पेस्ट कर देता हूँ एंड में, और ओपनिंग बैलेंस की जगह यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग बैलेंस। ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमारा आ गया। अब मैं फटाफट से इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसका कलर हम पहले तो थिक बॉर्डर करके इसका कलर कर देते हैं ग्रे, ओपनिंग का और क्लोजिंग का भी थिक बॉर्डर करके हम इसका कलर कर देते हैं ग्रे। ओके, अब इन तीनों का कलर हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना है। जैसे CL का कलर मैं कर देता हूँ रेड, डार्क कलर रखना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं समझाऊंगा वो हम क्यों रख रहे हैं। ML का कलर मैं कर देता हूँ मेडिक्लेम होता है, मेडिकल होता है, तो इसका कलर कर देते हैं हम ब्लू, और SL का स्पेशल लीव का कलर हम कर देते हैं येलो। ओके, तो अब इनको भी थोड़ा सा आप सेलेक्ट करके थिक बॉर्डर कर दीजिए, इसको भी यहाँ से भी थिक बॉर्डर। अब आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। ओके, तो हमारा कुछ इस प्रकार से अब ये दिखने लगा, हमारे महीने के ओपनिंग बैलेंस, हमारे महीने का ओपनिंग बैलेंस में जो CL है उसका, ML है और SL है। अब हमें ये CL ML SL यहाँ पे कैलकुलेट करवाना है।
जैसे अब मुझे एक फॉर्मूला लगाना है जहां पे अगर किसी ने भी यहाँ CL लिखा तो मेरा बैलेंस कैलकुलेट हो जाए। तो ये कैसे करेंगे? अब यहाँ पे जो एंड वाला सेल था, जो मैंने आपको बोला था एक स्पेशल सेल लेके चलना, ये देखिए अब हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा सम, क्योंकि हमें CL, ML और SL को काउंट करवाना है और उनका टोटल सम यहाँ पे पॉपुलेट करवाना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, मैं सम के बाद लिखूंगा काउंट इफ, उसके बाद मैंने पूरे के पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली, मैंने कॉमा दिया और मैंने बोल दिया अगर मेरे पास CLI, अब यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हैं ऊपर, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मेरे पास CLI तो सेकंड क्राइटेरिया में दे देता हूँ। अब देखिए सेकंड बोल रहा है, मैं फिर से एक काउंट का फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ काउंट इफ, फिर से इसने पूछा रेंज, मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली अपनी, अब मैंने इसके जगह बोल दिया ML, अब मैं फिर से एक काउंट का फॉर्मूला लगाऊंगा कॉमा दे के काउंट इफ, अब रेंज मैं दे दूंगा ये पूरी की पूरी, क्राइटेरिया मैं दे दूंगा SL और कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए ये यहाँ पे पॉपुलेट हो गया है, मगर हो सकता है जैसे अब देखिए मैं यहाँ पे डालता हूँ CL तो इसने काउंट कर लिया, मैं डालता हूँ SL तो इसने फिर से काउंट कर लिया, मैं एक और SL डालता हूँ तो इसने फिर से काउंट कर लिया, अब मैं डालता हूँ ML तो काउंट कर लिया। अगर किसी ने कुछ और दे दिया कोई भी एक, तो वो अल्फाबेट काउंट नहीं होगा, हो सकता है कभी कुछ ML की जगह आप कुछ गलत दे दो, ML डॉट दे दो, तो वो भी काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे हो सकता है कभी कभार एरर दे दे। तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आप इफ एरर भी लगा सकते हैं सबसे पहले, अगर नहीं लगाना चाहे तो ये भी चल जाएगा। तो आपने ये लगा दिया, अब आपने ये फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग करना है जितने भी आपके पीपल अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला हो गया है, अब आपको यही फॉर्मूला हर एक मंथ में लगा देना है। तो अगर आप इसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये देखिए ये फॉर्मूला तो लग गया, बट इसमें आप देख सकते हैं ये देखिए आगे तक चला गया, तो आप इसे थोड़ा सा पीछे ड्रैग कर दीजिए, एंटर करिए आप फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है ये देखिए AM4 और हमारा AJ4 से है, तो इसको कर देना है M, तो दूसरा भी सॉर्टेड, अब तीसरे को भी हमें कर देना M और आप एंटर करके देखिए, आप देखिए F2 दबा के आपका फॉर्मूला वहां से ही पिक कर रहा होगा जहां पे आपका फेब का महीना शुरू होता है। तो ये आपने फेब में लगाया, अब आप यही फेब का फॉर्मूला कॉपी करके मार्च में पेस्ट कर दीजिए, F2 प्रेस करिए, अब देखिए ये आगे तक नहीं आया, मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, अब ये देखिए BP, तो हमारे ये BS से शुरू हो रहा है, तो हमें इसे कर देना है BP और हमारे थर्ड वाले को भी हमें कर देना है BP। ओके, अब आप अप्रैल में यही पेस्ट कर दीजिए, आपको सारे फॉर्मूले ऐसे ड्रैग कर देने हैं। मैंने पेस्ट कर दिया, मैं यहाँ पे आ गया एंड में, अब ये देखिए थोड़ा सा आगे आया, मैं इसे पीछे कर देता हूँ और एंटर, अब मैं CV4, अब यहाँ पे भी आप देखिए CU से है तो मैं V कर देता हूँ, यहाँ पे भी U से है तो मैं कर देता हूँ V, एंटर। तो ये हो गया हमारा अप्रैल का मंथ। तो ऐसे ही आपने सब में फॉर्मूले लगा लेने हैं, तो मैं फटाफट से सब में फॉर्मूले लगा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सब में फॉर्मूले लगा दिए हैं, अब मैं इसे कोलैप्स कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ ये कैसा दिख रहा है। ये देखिए ये मैंने कर दिया दिसंबर, ये मैं नवंबर करने जा रहा हूँ, नवंबर भी कर दिया, मैं आगे से कर देता हूँ सारे महीने को कोलैप्स। ओके, तो यहाँ पे मेरे फॉर्मूले लगे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे नीचे आना है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, आपका जहाँ पे भी फॉर्मूले लगे हुए हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पे भी आप फॉर्मूले लगाएंगे, और आपको कंट्रोल और डी प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल और डी प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला सब में ड्रैग हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, जितना भी डेटा है मेरा इसको मैंने कर दिया ग्रे में। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मेरा व्यू आ चुका है। मैं यहाँ पे भी एक स्पेस कर देता हूँ जो क्लोजिंग बैलेंस से पहले है, मैं कंट्रोल शिफ्ट 10 प्लस का साइन दबा देता हूँ, यहाँ पे एक मेरा स्पेस आ गया है, मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, मुझे कलर नहीं चाहिए और मैं इसे थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस और मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ चुका है, आप ये देख सकते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे पास अभी। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब हमें ये दिखाना है कि इस महीने में जितने भी लीव यूज हुए हैं वो मेरे क्लोजिंग बैलेंस से कैसे माइनस हो जाए। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक हमें फॉर्मूला लगा देना है कि काउंट कर लो जितने भी यहाँ पे मेरे नंबर्स पॉपुलेट हो रहे हैं उनको इस वाले CL से माइनस कर दो। यहाँ पे आपको अब CL का काउंट दिखाना है, तो मैंने काउंट का फॉर्मूला लगाया,
काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया, मैंने सारी की सारी रेंज सिलेक्ट कर ली, मैंने रेंज में बोल दिया अगर मेरे पास कहीं भी सी एल आए तो यहाँ पे मुझे उसके नंबर्स पॉपुलेट करके दे दो। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं भी सी एल नहीं है। लेट्स टेक, मैं फेब में एक सी एल लिखता हूँ तो वहाँ पे हमारा वन आ जाना चाहिए जो कि आ चुका है, तो मतलब फॉर्मूला वर्क कर रहा है। सिमिलर केसेस में एम एल के यहाँ भी मैं एक काउंट का फॉर्मूला देता हूँ, काउंट इफ, मैंने रेंज दे दी है पूरी की पूरी, मैंने बोल दिया कहीं भी एम एल आए तो मुझे नंबर्स पॉपुलेट करके दे दो। और यहाँ पे भी एक और काउंट इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, रेंज देते हैं, मैंने ऐसे बोल दिया कहीं भी एस एल आए तो मुझे डेटा पॉपुलेट करके दे दो। तो यहाँ पे एम एल, एस एल और सी एल दे दिया है मैंने। अब मैं इन फॉर्मूले को भी, अब मैं नीचे तक जाता हूँ कंट्रोल और डाउन एरो, और मैं उन फॉर्मूले को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कंट्रोल और डी दबा देता हूँ ताकि वो फॉर्मूला नीचे भी ड्रैग हो जाए। तो ये फॉर्मूले मेरे यहाँ पे आ चुके हैं, सी एल, एम एल और एस एल। अब मैं फाइनल एक यहाँ टोटल दे देता हूँ, इसको मैं थोड़ा मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। इसका हम कलर देते हैं जो हमने अपने स्टार्टिंग नेम का दिया था, जो है हमारा डार्क ब्लू विथ वाइट। ओके, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ कि मेरा जो महीने का टोटल है वो कितना बचा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला लगाना है, सम। सम का फॉर्मूला लगाया हमने, हमने सी एल, एम एल और एस एल कैलकुलेट कर लिया, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, मैंने लगाया एक माइनस का साइन, मैंने फिर से सम का फॉर्मूला लगाया और ये मैंने पूरे का पूरा कॉपी कर लिया जो हमारे महीने के अंदर आ रहे थे, तो और मैंने कर दिया क्लोज। अब देखिए, ये बोल रहा है मेरे 32 बैलेंस है पूरे साल में, तो पूरे साल में 32 बैलेंस कैसे हो सकता है? अगर हम इसका टोटल करें जो कि है 37, 37 में से हमने पांच, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जनवरी में मैंने चार लीव यूज कर ली है, फेब में मैंने एक कर ली है, तो हमारे पांच यूज हो चुकी है। तो 37 माइनस 5 अगर आप करेंगे तो हमारा आएगा 32। तो बस अब यही फॉर्मूला आपको नीचे तक ड्रैग करना है। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला सब चीज ड्रैग कर दिया है, अब आपको एक और लास्ट ऑप्शन करना है। हमने एक एक कॉलम ब्लैंक किया था सबसे पहले, अगर आपको याद हो, तो आपको उस ब्लैंक कॉलम को सिलेक्ट करना है और यहाँ तक जाना है एंड में जो ब्लैंक कॉलम है, उसके बाद आप डेटा में जाइए, आप कर दीजिए ग्रुप। तो ये हो गया आपका ग्रुप। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे नंबर्स भी पॉपुलेट होने लग गए हैं। अब मैं थोड़ी सी इसे फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, मैं थिक बॉर्डर कर देता हूँ इन सब का, मैं होम में गया थिक बॉर्डर किया, यहाँ पे भी मैं थिक बॉर्डर कर देता हूँ, होम में जाके थिक बॉर्डर, और यहाँ पे मैं क्लोजिंग बैलेंस को भी अपना थिक बॉर्डर कर देता हूँ फटाफट से। होम में गया, थिक बॉर्डर में क्लिक किया और मैं यहाँ टोटल जो है इसको भी मैं थिक बॉर्डर कर देता हूँ। आप चाहे तो पूरे का पूरा डेटा सेलेक्ट करके आप इनके जो ग्रिड लाइंस है, मैं ग्रिड लाइंस रिमूव कर चुका हूँ, डेटा सेलेक्ट करके आपको व्यू में जाना है, व्यू में जाके ग्रिड लाइंस ऐसे होते हैं, मैंने बिल्कुल रिमूव कर दिया है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको आप सेलेक्ट करके होम में जाके आप टेक्स्ट का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने एक सिंपल टेक्स्ट ले लिया यहाँ पे। अब ये देखिए, यहाँ पे सोहन ने ओपनिंग बैलेंस शुरू किया था, सी एल सोहन को मिली थी 20, एम एल मिली थी 7 और एस एल मिली थी 10। तो अब साल के एंड में आप देख सकते हैं सोहन के पास सिर्फ 32 लीव बाकी है। ऐसे ही अगर कोई भी आपका एजेंट या कोई भी आपका एम्प्लॉय, कोई भी आपका जो कलीग है वो छुट्टी ले रहा है और अटेंडेंस ट्रैकर, जो लीव ट्रैकर है वो आप मेंटेन कर रहे हैं, तो आज हमारा दिसंबर का महीना है, तो दिसंबर के महीने में उसने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, तो हमें क्या करना है, हमें जाना है दिसंबर का मंथ ओपन करना है। मंथ में जहाँ जहाँ, फॉर एन एग्जाम्पल, सोहन ने बोला मुझे 5 एस एल चाहिए, तो कौन से डेट को चाहिए वो सारा आप डेट नोट कर सकते हैं। जैसे सोहन ने बोला मुझे 2 तारीख को स्पेशल लीव चाहिए, 4 को स्पेशल चाहिए, और बीच में सोहन 3 दिन के लिए मेडिकल में चला गया था, 7, 8 और 9, तो मैंने यहाँ एम एल लिख दिया। और सोहन ने 14 तारीख को कैजुअल लीव भी ले ली थी। अब देखिए, दिसंबर में ये मेरे डेट्स कलेक्ट हो गए हैं, मैंने बंद किया। अब मैं देख सकता हूँ दिसंबर में सोहन ने 6 लीव ले ली थी। अगर आप देखेंगे कौन सी 6 लीव ली है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये ओपन कर लीजिए मंथ, इसमें आपको दिख जाएगा। और अगर आप टोटल लीव देखना चाहेंगे, इसकी कितनी बैलेंस है, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं 20 लीव है, सी एल ऑलरेडी 3 यूज कर चुका है, एम एल 4 और एस एल 4। तो अगर इनका आप टोटल करेंगे तो ये आ रहा है आपका 11, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
अगर 11 की लीव है तो यहाँ से आप 11 माइनस कर दीजिए, जो भी रिमेनिंग है वो आपको टोटल में दिख जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक सिंपल एंसोवर, हमने एक लीव ट्रैकर बना दिया है जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें आप पूरे साल का लीव ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपका जैसे अब 2020 आने वाला है, आप डेट चेंज करना चाहें, आप इसको ओपन करके सबसे पहली वाली डेट चेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली पूरे साल की डेट चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना लीव ट्रैकर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आज्ञा लेता हूँ दोस्तों, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इसे थम्स अप जरूर देना, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को हमेशा मिलते रहे। और जिस जिस को भी एक्सेल सीखना है उनको ये लीव ट्रैकर की वीडियो जरूर फॉरवर्ड करना, ताकि वो भी अपने कंपनी में, अपने ऑफिस में ये इंप्लीमेंट कर सकते और हर एक चीज का ट्रैक रख सके कि उस उनके अंदर जितने भी एम्प्लॉई हैं वो प्रेजेंट है, एबसेंट है, कौन से दिन में लीव ले ली, हर एक का ट्रैक रख सके। और अगर आप लोग ये लीव ट्रैकर अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करते हैं तो मुझे जरूर बताना फ्रेंड्स, आप लोगों का कितना टाइम सेव हो रहा है और आप लोगों को कैसा लगा ये लीव ट्रैकर। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी दोस्तों, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, और हम ऐसे ही सीखते रहेंगे।